वतनों दूर देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। अफगानिस्तान उत्ते तालिबान का कब्जे करने तो बाद भारत विच रह रहे अफगान अपने परिवारों बारे चिंतित हैं। उह लोग दुनिया भर तो मदद की आस विच बैठे हैं, खास करके इन्हां लोगों नूं भारत तो बहुत उम्मीद हैं। यह कहना है अफगानी मूल के व्यापारी जहीर खान का, जो लंबे समय तो भारत विच रह रहा है। जहीर खान का कहना है कि सानूं पाकिस्तान, चीन और साउदी अरब विच कोई भरोसा नहीं है, सानूं भारत ही विश्वास है, खास करके सानूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत उम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साड़ी मदद कर सकते हैं। इंडिया टुडे की खबर अनुसार कोलकाता के मलिक बाजार के व्यापारी जहीर खान अज अफगानिस्तान के हालात देख के बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अजे अफगानिस्तान कदे भी स्वीकार नहीं करांगा जिथे तालिबान का राज आ गया होवे। जहीर दसदा है कि उसके पिता करीब 25 साल पहला अफगानिस्तान तो भारत आए सन, उदों तो ही वह कोलकाता विच रह रहे हैं। कलकत्ता विच बहुत सारे अफगानियों का अपना घर है, वो इत्थे कुबली वाला वजो जाना जाता है, जिसका अर्थ है मैन ऑफ काबुल। ये लोग 1840 के करीब इत्थे आए सन, उदों तो ही कलकत्ता विच रह रहे हैं। जहीर खान का कहना है कि चीन और पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया, पर अफगानिस्तान के लोग सिर्फ भारत से ही भरोसा करते हैं, वह चीन और पाकिस्तान से भरोसा करने लिए तैयार नहीं हैं। मलिक बाजार के एक होर व्यापारी इब्राहिम खान कहते हैं, तुसीं किसी भी अफगान नूं पाकिस्तान बारे उन्हां दे विचार पुछो, वह कहणगे कि वह उस देश नाल कुछ नहीं चाहते। इमरान खान ने कहा कि असी गुलाम सी, पर असल विच वह होर गुलाम हन, उन्हां तों कुछ नहीं चाहते, वह साडे पहले नंबर दे दुश्मन हन, अते उन्हां नाल मिलके स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। तुहानूं दस दईए कि इब्राहिम दा परिवार अफगानिस्तान विच ही रहिंदा है। इब्राहिम खान ने पीएम मोदी तों मदद की अपील की है अते कहा कि मोदी जी नूं साडे परिवारां नूं उत्थों कढ़न विच साडी मदद करनी चाहीदी है। इब्राहिम ने कहा कि असीं भारत दे लोकां नाल चंगे संबंध रखना चाहते हाँ अते उन्हां नूं मजबूत करना चाहते हाँ, असीं भारत नूं ही अपना देश मनदे हाँ।